वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो चलिए आगे मिलते हैं, आगे सब कुछ मैं बताऊँगा। इतना दिन ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, सब कुछ मैं आगे चल के बताऊँगा। जहाँ ड्यूटी करता हूँ वहाँ आ चुका हूँ, तो चलिए पहले काम थोड़ा निपटा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अब है ब्रेकफास्ट की बारी। अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा काम है, काम ख़त्म करने के बाद में मैं आप लोगों से प्रॉपर बात करता हूँ, ठीक है? तो तब तक के लिए फाइनली मुझे अब जाके थोड़ा फुर्सत मिला। तो बात यह है कि मैं यहाँ केरला के एक महीना हो गया, आज पक्का एक महीना हो गया। तो बात यह है, मैं कुछ काम से आया था, वो काम होने में अब लेट हो रहा था, तो मुझे यहाँ एक अच्छा ऑफ़र मिला जॉब के लिए। तो जॉब बोले तो मैं कोई IAS ऑफिसर या पुलिस इंस्पेक्टर वो सब जॉब नहीं, मैं तंदूर का शेफ हूँ। तो तंदूर में एक जगह वैकेंसी था और अच्छा पैकेज भी दे रहा था, तो इसलिए मैं काम पे लग गया। इसलिए मतलब यहाँ सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है और ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। कुछ दोस्त मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ रहे थे, अली भाई किधर है वीडियो, किधर तुम्हारा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है। और कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे DM कर रहे थे, भाई नया ब्लॉग किधर है, नया ब्लॉग किधर है। तो लो, नया ब्लॉग भी अपलोड हो गया। मैं कोशिश करूँगा डेली मेरा लाइफस्टाइल का ब्लॉग बनाने के लिए। गर्मी बहुत है और इस बीच मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हुआ, स्नोफीलिया जब मेरा बढ़ जाता है, पैर में दर्द होता है, तो इस वजह से मैं ब्लड रिपोर्ट भी कराने के लिए दिया हूँ। आज मिल जाएगा और डॉक्टर को लेके दिखाऊंगा। बीच कुछ स्पेशल तो नहीं हुआ, स्पेशल बोलूँगा तो जिबूर का बेटा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन है कि ना जिबूर। बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।